पिछले 10 साल से ज्यादा समय से जो एंड्रॉइड फोन्स है ना वो पूरी दुनिया में पॉपुलर है, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एंड्रॉइड फोन्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव थे और जिन्होंने एंड्रॉइड फोन्स का जो डायरेक्शन था ना वो उसे काफी हद तक बदल दिया था। तो देखते हैं टॉप 10 एंड्रॉइड इनोवेटिव स्मार्टफोन्स की लिस्ट। तो सबसे पहले इस लिस्ट में आता है HTC ड्रीम। अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये पहला एंड्रॉइड फोन था जो 2008 में रिलीज किया था और इसे गूगल ने पार्टनरशिप करके बनाया था HTC के साथ। अगर बात करें तो इसमें आपको फिजिकल बटन देखने को मिलता था, 3.17 इंच का एक 320x480 रिजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिलता था, नीचे की तरफ एक ट्रैकिंग बॉल थी, और सबसे बड़ी बात यह कि इस एंड्रॉइड फोन में आपको कोई हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता था। अगर मैं इसमें रैम की बात करूं तो इस फोन में सिर्फ 192 MB की रैम और इंटरनल स्टोरेज जो थी वो थी सिर्फ 256 MB की, और जो कैमरा था वो था सिर्फ 3.2 MP का, और प्रोसेसर था इसमें क्वालकॉम का 528 MHz का सिंगल कोर प्रोसेसर। तो देख सकते हैं कि 2008 में पहले एंड्रॉइड फोन की क्या स्पेसिफिकेशन थी। और इसके बाद जो लिस्ट में अगले नंबर पे आता है वो आता है मोटरोला क्लिक। ये मोटरोला की तरफ से आने वाला पहला एंड्रॉइड फोन था जो कि अक्टूबर 2009 में लॉन्च हुआ था और ओवरऑल एक अपग्रेड था HTC ड्रीम से। जैसे कि इसका अंदर जो स्लाइडर डिजाइन था वो ज्यादा बेटर था, इसके अंदर जो मोटरोला क्लिक में जो कीबोर्ड मिलता था वो ज्यादा अच्छा कर दिया इन्होंने, 4.49 इंच का यानी कि थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले लगा दिया, इंटरनल जो प्रोसेसर होता है उसे अपग्रेड कर दिया, रैम को भी 256 MB कर दिया, कैमरे को भी 5 MP कर दिया, और ढेर सारी जो जीमेल यूट्यूब और सोशल मीडिया की जितनी भी एप्स होती है ना प्री इंस्टॉल करके इस फोन में देना चालू कर दिया। तो देखा जाए तो एक कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा फोन बना HTC ड्रीम के कंपैरिजन में। और इसके बाद नंबर आता है HTC नेक्सस 1 का। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि गूगल की एक नेक्सस लाइनअप थी जो आगे चल के ये पिक्सल लाइनअप बन गई, और बात करें गूगल की नेक्सस लाइनअप में आने वाला पहला एंड्रॉइड फोन था जिसका नाम था HTC नेक्सस 1। ये फोन 2010 में लॉन्च हुआ था और ये पहला एंड्रॉइड फोन था जिसके अंदर आपको प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिलता था डायरेक्टली गूगल की तरफ से। और प्रोसेसर की बात करें तो ये पहला ऐसा फोन था इसमें आपको 1 GHz का क्वालकॉम स्कॉर्पियन प्रोसेसर देखने को मिला था, और रैम भी इसके अंदर 512 MB की हो गई थी, और ये एंड्रॉइड 2.1 के ऊपर चलता था। और इसके बाद जो काफी बड़ा इनोवेटिव स्मार्टफोन था ना वो था सैमसंग गैलेक्सी नोट, क्योंकि इस फोन ने ना एंड्रॉइड का डायरेक्शन बदल दिया। क्योंकि आज की डेट में आपको जितने भी एंड्रॉइड फोन देखने को मिलते हैं ना सबके अंदर जो डिस्प्ले है ना वो 5 इंच के ऊपर हो चुका है, और इस चीज का क्रेडिट इस फोन को ही जाता है क्योंकि जब ये फोन आया था तब वो सबसे बड़ा एंड्रॉइड फोन था, क्योंकि उस समय जो गैलेक्सी S लाइनअप थी उसके फोन का साइज जो होता था वो 4 इंच की अराउंड होता था, और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इस फोन में आपको 5.3 इंच का डिस्प्ले देखने को मिला था, और इस फोन में आपको डेडिकेटेड स्टाइलस भी देखने को मिला था जिसे उन्होंने बोला था S पेन, और ये एंड्रॉइड 2.3 जिंजर ब्रेड के ऊपर चलता था, और इसके अंदर S पेन का यूज करने के लिए डेडिकेटेड कई सारी इंटरनल एप्स और कई सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स भी दिए गए थे जैसे क्विक नोट, S मेमो। तो देखा जाए तो जो स्टाइलस का कंसेप्ट था वो इसने पॉपुलर किया, और सबसे बड़ी चीज थी कि जो बड़ी स्क्रीन के फोन्स का जो कॉन्सेप्ट था ना वो गैलेक्सी नोट आने के बाद काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। और इसके बाद बात करते हैं LG की, क्योंकि LG ने अपना LG G Flex निकाला था जो कि उनका पहला ऐसा फोन था जिसके अंदर उन्होंने जो फ्लेक्सिबल डिस्प्ले होता है ना उसका यूज किया था, और ये कर्व्ड फोन था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस फोन के अंदर आपको सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी, यानी कि पीछे का जो रियर कवर होता है ना फोन का वो इसके स्क्रैच प्रूफ था, यानी कि अगर आप उस पर कोई स्क्रैच बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिल कर देगा और अपने आप को खुद ही हील कर देगा। तो ये भी काफी अच्छी टेक्नोलॉजी थी और अपने जमाने से काफी ज्यादा आगे की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन तब भी ये मेन स्ट्रीम नहीं हो पाई और जो LG G Flex था ना वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा था कि इसके अंदर आपको सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती थी। और इसके बाद बात करें तो इसके बाद नंबर आता है ब्लैकबेरी प्रिव का, यानी कि ब्लैकबेरी को तो आप लोग जानते ही हो कि एक स्मार्टफोन बनाने वाली काफी पॉपुलर कंपनी थी जिसके कीपैड यानी कि QWERTY कीपैड वाले स्मार्टफोन काफी ज्यादा पॉपुलर थे, लेकिन जो ब्लैकबेरी प्रिव था ना ये उनके द्वारा बनाया गया सबसे पहला एंड्रॉइड फोन था, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने ब्लैकबेरी OS को छोड़ के एंड्रॉइड का रास्ता पकड़ा, और इसके अंदर आपको एक फिजिकल कीबोर्ड देखने को मिलता था जो कि स्लाइड होकर निकलता था। तो ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि सारी कंपनीज जो थी वो फिजिकल कीबोर्ड को हटा रही थी, लेकिन ब्लैकबेरी ने अपने प्रिव के अंदर फिजिकल कीबोर्ड को डाल दिया और उसको भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग बना दिया। लेकिन दुख की बात यह कि जो ब्लैकबेरी प्रिव था ना वो भी मार्केट में फ्लॉप हो गया, क्योंकि जो कंपनी थी ना वो लोगों की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ नहीं पाई, लेकिन एक छोटी सी नई चीज ब्लैकबेरी प्रिव में जरूर आई थी। और इसके बाद बारी आती है योटाफोन की। अगर योटाफोन नहीं पता तो एक रशियन कंपनी थी जिसने अपना 2012 में योटाफोन बनाया था, और सबसे बड़ी बात इस फोन की थी इसमें आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिलता था, यानी कि आगे की तरफ 4.3 इंच का एक LCD डिस्प्ले और पीछे की तरफ आपको एक ई इंक डिस्प्ले देखने को मिलता था। तो काफी बढ़िया
कॉन्सेप्ट था कि आपको दो डिस्प्ले वाला फोन देखने को मिलता, और ये बात हो रही है 2012 की, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ये मार्केट में इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और इसका जो कॉन्सेप्ट था ना, वो ये चाहते थे कि पीछे की तरफ आपको ऑलवेज ऑन इन डिस्प्ले मिले जिससे आप नोटिफिकेशंस देख ले और आगे से मेन फोन को ऑपरेट कर ले। लेकिन ड्यूरेबिलिटी इश्यूज थे, मार्केट में ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, इसलिए जो योटाफोन 2 था ना, वो कभी मार्केट को हिट भी नहीं कर पाया। और इसके बाद बारी आती है Xiaomi Mi Mix की। एक्चुअली में जो Xiaomi Mi Mix था ना, इसी फोन ने जो बेजलेस स्टैंड था ना, उसे आगे बढ़ाया। एक्चुअली में इससे पहले जो शार्प एक्वस क्रिस्टल एक एक्चुअली में फोन था जो कि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था, लेकिन Xiaomi Mi Mix ये थोड़े ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता था। और जो Mi Mix था ना, उसका जो डिजाइन था ना, काफी सारी कंपनीज को उसने इंस्पायर किया, ताकि सारे लोग आज किट में सब बेजललेस फोन बनाने लगे। और ये मार्केट में आने वाला पहला ऐसा फोन था जो कि वाइडली अवेलेबल था, और Xiaomi की तरफ से एक पहले एक कॉन्सेप्ट फोन के रूप में आया था। लेकिन देखा जाए तो आगे चल के ये चीज रिवोल्यूशनरी साबित है, क्योंकि हर कंपनी आज की डेट में बेजललेस फोन बनाने की रेस में कूद चुकी है, और हर कंपनी चाहती है कि उनकी तरफ से कंप्लीट बेजललेस फोन आए। और डेफिनेटली फ्यूचर के फोन कैसे देखने को मिलेंगे, तो ये चीज हमें Xiaomi Mi Mix ने बहुत पहले दिखा दी थी, क्योंकि उस फोन के अंदर आपको सबसे ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता था, जो कि था 83.6% का। तो देखा जाए तो आगे अगर आपको कंप्लीट बेजललेस फोन देखने को मिले ना, तो उसका क्रेडिट Xiaomi Mi Mix को ही जाता है। इसके बाद बारी आती है दुनिया के पहले फोल्डेबल फोन के, और हाँ, मैं सैमसंग और Huawei की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रॉयल फ्लैक्स पाई की, क्योंकि रॉयल फ्लैक्स पाई पहला कमर्शियली अवेलेबल ऐसा फोन था जिसने हमें दिखाया कि फ्यूचर में आपको फोल्डेबल फोन कैसे देखने को मिलेंगे, और एक पहला ऐसा फोन बना जिसे आप खरीद सकते थे। और बात की जाए ना, तो एक गैलेक्सी फोल्ड और Huawei Mate X से काफी ज्यादा पहले आ गया था। हाँ, माना कि इसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है और वो थोड़े ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट लगते हैं, लेकिन मार्केट में आने वाला पहला जो फोल्डेबल फोन है वो रॉयल फ्लैक्स पाई को इसका क्रेडिट दिया जाता है। और आने वाले समय में आपको इंडिया के मार्केट में भी गैलेक्सी फोल्ड देखने को मिलेगा, Huawei Mate X देखने को मिलेंगे, और आने वाले कुछ सालों में आपको काफी सस्ते में फोल्डेबल फोन भी देखने को मिलने वाले हैं। तो देखा जाए तो इसलिए जो इस कैटेगरी में जो 9th पोजीशन पर है वो है रॉयल फ्लैक्स पाई। और फाइनल जो 10th पोजीशन आती है ना, उस पे मैंने रखा है LG G5 को, क्योंकि वो एक्चुअली में पहला मॉड्यूलर स्मार्टफोन था, यानी कि जो मॉड्यूलरिटी का कांसेप्ट था ना, वो LG G5 से आया था। उसके अंदर आपको डेडिकेटेड जो मॉड्स होते ना, वो देखने को मिलते थे, जिन्हें LG ने नाम दिया था फ्रेंड्स। और ये जो फ्रेंड्स है ना, ये किसी ना किसी रूप में आपके LG G5 की जो फंक्शनैलिटी ना, उसे बढ़ा देते थे। जैसे कि एक डेडिकेटेड बैटरी मॉड था जिससे आप बैटरी की कैपेसिटी बढ़ा सकते थे, एक कैमरा मॉड जिसमें जो कैमरा का शटर बटन जो सेटिंग होती है ना, उसे एडजस्ट कर सकते थे, एक डेडिकेटेड डैक मोड था जिसके अंदर एक डेडिकेटेड एम्पलीफायर को आप अपने फोन से अटैच कर सकते थे, और ज्यादा अच्छे म्यूजिक एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकते थे। लेकिन देखा जाए तो ये कंसेप्ट था ना, काफी हाफ बेक्ड था, यानी कि जो चीजें थी ना, वो इतनी ज्यादा तैयार नहीं थी, और इसलिए जो मॉड्यूलरिटी का कंसेप्ट ना, वो फेल हो गया, क्योंकि इसमें ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज थे और कई सारी चीजें की प्रॉब्लम थी कि आपको बार बार फोन को बंद करना पड़ता था जब भी आप किसी दूसरे मॉड को लगाएं। और इसलिए LG G5 के बाद आपको LG की तरफ से कोई भी मॉड्यूलर फोन देखने को नहीं मिला। हाँ, लेकिन LG G5 के साथ एक और अच्छी बात ये थी कि वो पहला ऐसा फोन बना था जिसके अंदर आपको वाइड एंगल कैमरा लेंस देखने को मिलता था, तो ये एक अच्छी चीज है। और लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, आपको इस लिस्ट खत्म करने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस के नाम बताना चाहता हूँ, यानी कि वो फोन जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे लेकिन इस लिस्ट में एंट्री नहीं हो पाए, जैसे कि मोटो जी, जिसने आपको मोटो मॉड्स का इंट्रोडक्शन करवाया था, और उन्होंने बोला था कि आने वाले 2 जनरेशन तक ये मोटो मॉड सपोर्ट करेंगे, और ये मोटो मॉड्स अलग अलग टाइप के थे, यानी कि डेडिकेटेड स्पीकर का मॉड था जो कि JBL के साथ मिलकर बनाया, एक प्रोजेक्टर वाला मॉड भी था, अरे यहाँ तक कि अब तो मोटो जी के लिए मोटो 5G मोटो मॉड आने वाला है, यानी कि आपने पहले मोटो जी को परचेज किया तो आप डेडिकेटेड 5G मोटो मॉड का यूज करके अपने फोन के अंदर 5G को यूज कर सकते हैं। तो मॉड्यूलरिटी के कंसेप्ट का ना काफी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन तब भी जो मोटो जी था ना, वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। और इसके बाद बात की जाए ना, तो वो है वीवो X21UD की, जो कि कमर्शियली अवेलेबल दुनिया का पहला ऐसा फोन था जिसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिला था। तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से पहले वीवो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की टेक्नोलॉजी ले आई, और ये ऑप्टिकल स्कैनर था। इसके बाद बात की जाए ना, तो जो Huawei थी ना, वो भी अपने फोन के अंदर अल्ट्रासोनिक बेस्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर आई, लेकिन बाकी जितनी भी कंपनीज थी ना, वो थोड़ा लेट हो गई, और इस लिस्ट में जो वीवो थी ना, वो फर्स्ट हो गई। और उसके बाद अगला जो फोन आता है, वो आता है Huawei P20 Pro, क्योंकि वो दुनिया का पहला ऐसा फोन बना जिसमें आपको ट्रिपल कैमरास देखने को मिले, और 40 मेगापिक्सल किसी एंड्रॉइड फोन में ना सबसे पहली बार आपको Huawei P20 Pro में देखने को मिला था, तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है। और अगर हम ट्रिपल कैमरास की बात कर रहे हैं, तो हम HTC को कैसे भूल सकते, क्योंकि HTC ने अपना HTC One M8 बनाया था जिसके अंदर आपको डुअल रियर कैमरास देखने को मिलते थे, और उसका कंसेप्ट वैसा ही था जैसा आपको मॉडर्न स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है, यानी कि एक नॉर्मल कैमरा और एक डेप्थ सेंसर जिसे आप पोर्ट्रेट इमेजेस ले सकते थे। इसके बाद बारी आती है
ऑनर मैजिक 2 की, जो कि दुनिया का पहला ऐसा फोन बना था जो कि कम्प्लीटली बेजल लेस था, लेकिन उसके अंदर स्लाइडर मैकेनिज्म का यूज हुआ था जिसे आप खुद हाथ से स्लाइड कर सकते थे। तो देखा जाए तो मार्केट में जो पहला स्लाइडर फोन था वो ऑनर मैजिक 2 था, और जो मी मिक्स 3 था ना वो इसके बाद मार्केट में आया था, तो ये भी बात नोटिस करने वाली है। लेकिन दोनों फोन के अंदर जो स्लाइडर मैकेनिज्म का कंसेप्ट था ना वो काफी हद तक सिमिलर था। और अगर हम कंप्लीट बेजल लेस फोन की बात करें तो हम वीवो को कैसे भूल सकते, क्योंकि वीवो अपना वीवो नेक्स्ट लेके आई थी जो कि पहला ऐसा फोन था जिसमें आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलता था। और देखा जाए तो आने वाले समय में पॉपअप कैमरा काफी दूसरी कंपनीज भी ट्राई करने वाली है, लेकिन इस चीज की ड्यूरेबिलिटी पे अभी भी सवाल है। और अगर हम वीवो नेक्स की बात कर रहे हैं तो हम ओप्पो फाइंड एक्स को कैसे भूल जाएं, क्योंकि जो मोटराइजिंग स्लाइडिंग मैकेनिज्म था ना तो वो भी ओप्पो फाइंड एक्स के अंदर आया था। और इस फोन के अंदर जो स्लाइडर मैकेनिज्म था ना उसके अंदर आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिलता था, और रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा सारे स्लाइडर मैकेनिज्म में थे, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और यहाँ तक कि ओप्पो फाइंड एक्स का जो लैम्बोर्गिनी एडिशन था ना वो पहला ऐसा कमर्शियली अवेलेबल फोन था जिसके अंदर आपको सुपर वुक चार्जिंग की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो टेक्निकली आज की एज में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है। और अगर हम बेजल लेस ट्रेंड की बात करें तो हम नॉच ट्रेंड को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि जो एसेंशियल फोन था ना वो दुनिया का पहला ऐसा फोन था जिसके अंदर आपको नॉच देखने को मिला था, जिसे आज की डेट में लोग यू नॉच कहते हैं, वाटर ड्रॉप नॉच कहते हैं। तो इस कंसेप्ट को वो काफी ज्यादा पहले 2017 में लेकर आ गया था। और देखा जाए तो आज की डेट में जितने भी स्मार्टफोन्स है ना वो कहीं ना कहीं एसेंशियल फोन से इंस्पायर्ड है। और बात करें हम रिसेंटली कुछ इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स की, तो जो ऑनर V20 है ना वो दुनिया का पहला ऐसा फोन बना था जिसके अंदर आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता था। तो ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अब आपको आने वाले समय में जितने भी स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं ना मेजोरिटीज के अंदर पंच होल होने वाला है। और ये दुनिया का पहला ऐसा फोन बना था जिसके अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर वाला कैमरा देखने को मिला था। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात होती है कि पहला एंड्रॉइड फोन में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला वो ऑनर V20 था। और लास्ट में जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फोन है ना वो है HTC EVO 3D, जो कि एक्चुअली में दुनिया का पहला डुअल कैमरा वाला एंड्रॉइड फोन था, और इस फोन का यूज करके आप 3D फोटोग्राफ्स को ले सकते थे। तो ये भी काफी बड़ी बात है। तो दोस्तों ये थी कुछ एक छोटी सी लिस्ट मेरी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था दुनिया के कुछ मोस्ट इनोवेटिव एंड्रॉइड फोन्स के बारे में। बाकी आप लोगों के लिए कौन सा फोन ज्यादा इनोवेटिव है तो ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना, और आप लोगों को लगता है कि मैंने इस लिस्ट में किसी फोन को मिस कर दिया तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।